हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे मुर्गियों की नस्लें या पोल्ट्री ब्रीड्स की। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है और प्लीज़ इसको नोट करते चलिएगा। और बहुत ही मेहनत से जो है टॉपिक बना बना के आपके लिए ला रहे हैं हैंड नोट्स। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करते चलिए। ठीक है, ताकि आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट मैं बनाकर लाता रहूँ। तो मुर्गियों की प्रमुख प्रजातियों का विवरण जो है मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा अमेरिकन ब्रीड। ठीक है, अमेरिकन ब्रीड, इसमें जो है क्या क्या चीज कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं और इसमें क्या क्या बताया जाएगा। तो मूल स्थान या नेटिव प्लेस, शरीर भार, कॉक कॉकरेल, हेन पुलेट और सारी चीज़ें हैं। तो अमेरिकन ब्रीड में हमारा पहला आता है न्यू हैम्पशायर। ठीक है, नेटिव प्लेस कहाँ है, यानी मूल स्थान अमेरिका ही है। कॉक 3.8 kg का होता है, कॉकरेल 3.4 kg, हेन 2.9 kg, पुलेट 2.5 kg का होता है। प्लाईमाउथ रॉक, यह भी मूल स्थान अमेरिका ही है। कॉक इसका 4.3 kg, कॉकरेल 3.6 kg, हेन 3.4 kg और पुलेट 2.7 kg। रोड आयरलैंड रेड, यह भी अमेरिका की प्रजाति है। कॉक 3.8 kg, कॉकरेल 3.4, हेन 2.9 और पुलेट 2.5 kg की होती हैं। वायनडॉट, वायनडॉट अमेरिका की भी जो है प्रजाति है मुर्गी की। इसका कॉक 3.9 और कॉकरेल 3 kg की होती हैं। ये एक स्वस्थ जो है पक्षी की जो है बात की जा रही है मुर्गी केस में। जर्सी ब्लैक जाइंट, यह अमेरिका की जो है प्रजाति है। 5.9 kg कॉक और 4.5 kg की कॉकरेल। ठीक है, रोड आइलैंड वाइट, यह भी अमेरिका की जो है प्रजाति है। इसमें 3.8 kg के जो कॉक होते हैं और 2.9 kg के जो है कॉकरेल होते हैं। अब बात करते हैं हम एशियाटिक ब्रीड। ठीक है, एशियाटिक ब्रीड, इसमें हमारा पहला है ब्रह्मा, जो है ब्रह्मपुत्र नदी का जो है कछार में जो है यह मूल जो है मूल स्थान का माना जाता है। 5.2 kg के जो है कॉक, 4.5 kg कॉकरेल, 4.3 kg जो है हमारा जो है हेन और 3.6 kg के पुलेट होते हैं। ठीक है, कोचिन, कोचिन यह चीन की जो है प्रजाति है। और कॉक 4.9, कॉकरेल 3.6, हेन 3.8 और पुलेट 3.9 kg। और इसका प्रतिवर्ष उत्पादन अंडे का है 157 से 100 175 से 180 kg। ठीक है, लैंगस हेन या काली मुर्गी, इसका जो नेटिव प्लेस नहीं है अभी कंफर्म, इसलिए नहीं हमने नोट किया है। कॉक 4.9, कॉकरेल 4 kg, हेन और पुलेट क्रमशः 3.6 और 3.1 kg। ठीक है, इंग्लिश ब्रीड, इंग्लिश ब्रीड में एस्ट्रोलॉप, एस्ट्रोलॉप ये कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की है। 3.8, 3.4, 2.9 और 2.5 कॉक कॉकरेल हेन और पुलेट के जो है वेट है। कॉर्निश वाइट इंग्लैंड की प्रजाति है। 4.5, 3.6, 3.4 और 2.7 kg जो है क्रमशः कॉक कॉकरेल हेन पुलेट के जो है होती हैं। वहीं रेड, रेड जो कहाँ की है, इंग्लैंड की है। और इसका भी जो है वजन की बात करें तो कॉक कॉकरेल हैंड पुलेट की 3.6, 3.1, 2.7 और 2.2। ऑर्पिंगटन, ऑर्पिंगटन में जो है ये भी इंग्लैंड की है और सक्सेस, सक्सेस भी इंग्लैंड की प्रजातियां हैं। इसमें ऑर्पिंगटन में 4.5 और 4.5 के आसपास ये जो है होती हैं। और सक्सेस में 4 kg की कॉक और 3.4 kg की कॉकरेल, 3.1 के हैंड और 2.7 के पुलेट्स होती हैं। ठीक है, अगर आपको कॉक कॉकरेल हेन पुलेट्स नहीं पता तो प्लीज़ कमेंट करिए, फिर मैं इस पर अलग से जो है वीडियो बनाऊंगा और इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन ब्रीड्स। ठीक है, इसमें लेगहॉर्न जो कि सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करती है, तो ये कहाँ की प्रजाति है, इटली की। ठीक है, 2.6 kg की मेल, सॉरी कॉक, 2.2 kg की जो है कॉकरेल, 2 kg की जो है हेन और 1.8 kg की पुलेट्स होती हैं। अंडे 200 से 250 अंडे प्रति पक्षी प्रति वर्ष। मिनोरका, मिनोरका जो है मिनोरका की जो है प्रजाति है। 3.5, 2.9, 2.9 और 2.5 की क्रमशः है
कॉक कॉकरेल हेन पुलेट्स के वजन हैं। वहीं ब्लू एडेल्सियन स्पेन की प्रजाति है, 3.5 केजी कॉक और 3 केजी जो है हेन होती हैं। और एनकोना भी जो एनकोना नामक जगह की प्रजाति है और इसकी भी जो वेट 207 और 2 केजी का है आसपास है, ये सब देख लीजिए ठीक है। इंडिजीनस ब्रीड, इंडिजीनस यानी भारतीय नस्लें, तो भारतीय नस्ल की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा पहला, एसील। एसील जो है मनोरंजन के उद्देश्य से पाली जाने वाली मुर्गी प्रजाति है, यह आंध्र प्रदेश और यूपी की जो है नेटिव प्लेस है और 4 से 5 केजी जो है इसके जो है कॉक होते हैं, 3.5 से 4.5 केजी कॉकरेल होते हैं, 3 से 4 केजी के हेन और 2.5 से 3.5 केजी के जो है इनके पुलेट्स होते हैं और 100 अंडे के आसपास इनका औसत जो है उत्पादन है प्रति पक्षी प्रतिवर्ष। बुशरा महाराष्ट्र और गुजरात के जो है नेटिव प्लेस हैं और 4.5 केजी के आसपास, 3.5 केजी के आसपास भी जो है इनका ही वही है कॉक कॉकरेल हेन पुलेट के आसपास। और वही कड़कनाथ जो एकदम काली प्रजाति है मुर्गी, यह कहाँ की है, MP यानी मध्य प्रदेश की प्रजाति है ठीक है। यह 1.5 केजी के आसपास इसकी कॉक और इसके हेन 1 केजी के जो है आसपास होती हैं। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लें तो इसमें जो है भारत में सर्वाधिक कुक्कुट क्रमशः जो है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में पाए जाते हैं ठीक है। अंडा उत्पादन शीर्ष स्थान राज्य क्रमशः जो हम बात करें तो हमारा कौन कौन सा है, सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद तमिलनाडु है। हाँ भाई वहीं KGF वाले यस भैया का जो है क्षेत्र ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व में अंडा उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, चीन का है, द्वितीय स्थान अमेरिका का एवं भारत का तीसरा स्थान है ठीक है। अरे भाई हो भी क्यों ना, चीन इतना बड़ा क्षेत्र है, अमेरिका इतना बड़ा क्षेत्र है, भारत पास कितना क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्रफल है तो ठीक ही है। अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वर्ष 2013-14 में भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की औसत खपत 56 अंडा था ठीक है, 56। नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक समीक्षा 2011-12 के अनुसार देश में चिकन मांस की खपत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 1.6 केजी है ठीक है। यह समय और पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, यह अलग अलग वर्षों बदला गया है तो 2011-12 के सापेक्ष में ये आपको हम बताए हैं। अच्छा, संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है, व्हाइट लेग हॉर्न सब लोग जानते हैं। मांस उत्पादन के लिए सर्वोत्तम मुर्गी नस्ल कौन सी है, कार्निश एवं न्यू हैम्पशायर ठीक है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ठीक है कहाँ है, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश के बरेली के इज्जत नगर में है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है। मैं 1970 ईस्वी में CARI की स्थापना की गई थी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान ठीक है, फुल फॉर्म भी देख लीजिए CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। अच्छा हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, मुर्गी का अंडा प्रोटीन का सबसे सस्ता एवं प्रचुर स्रोत होता है ठीक है। मुर्गी का जो अंडा होता है प्रोटीन का सबसे सस्ता और प्रचुर यानी अच्छा स्रोत होता है। अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है जिसका जैविक मान 94 जो है दूध से अधिक होता है। अब ऐसा नहीं कि दूध खराब है, पर जो लोग अंडा नहीं खाते वो दूध से ही लें ठीक है, पर अगर शाकाहारी नहीं है तो अंडे से जो प्रोटीन लेना बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, अंडे को फॉलिकल टूटने के पश्चात से बाहर आने तक लगभग 22 से 26 घंटे तक लग जाते हैं। अच्छा, अब ये फॉलिकल क्या होता है, तो जब आप मुर्गी का स्ट्रक्चर हम पढ़ाएंगे आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें जो है फॉलिकल्स जो है होते हैं, यानी कि जो मुर्गी के अंदर सुप्तावस्था में अंडाणु पड़े होते हैं, तो जब ये फॉलिकल बनते हैं निषेचन के पश्चात या विदाउट निषेचन, और जो है इसका फॉर्मेशन होने, अंडे का फॉर्मेशन होने तक जो है जो लगने वाला टाइम पीरियड कितना है, 22 से 26 घंटे ठीक है। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ठीक है। अंडा उत्पादक नस्ल कौन कौन से अच्छी हैं, व्हाइट लेगहॉर्न, मिनोर्का ठीक है। मांस उत्पादक नस्ल कोचीन, न्यू हैम्पशायर,
कॉर्निश और सक्सेस। द्विकाजी नस्लें यानी अंडा भी दे और मीट भी दे, कौन सा है? रोड आइलैंड रेड, ऑस्ट्रोलार्ब, प्लाईमाउथ रॉक। और मनोरंजक नस्ल कौन सी? असील, ठीक है, जो लड़ाई वड़ाई कराते हैं पिक्चर में आपने देखा होगा, तो असील नस्ल होती हैं जो लाल लाल लंबी गर्दन वाली होती हैं। डेजर्ट प्रकार के ऊँट बीकानेर जैसलमेर में तथा खिराइन या रिवाइन प्रकार के ऊँट उत्तर प्रदेश में पंजाब में मिलते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको नोट कर दिया था कि जो जैसलमेर और बीकानेर में ऊँट पाए जाते हैं उनको कैसे कहा जाता है? डेजर्ट प्रकार के ऊँट होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में पंजाब में जो ऊँट पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? रिवाइन या खिराइन प्रकार के ऊँट। काठियावाड़ी घोड़े गुजरात के जो बलिष्ठ एवं अपनी चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। वहीं मलानी घोड़ा कलाबाजी दिखाने के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।